हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एंड हो चुका है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। मुझको इनके आंसर नहीं मिले हैं, यदि आप चाहें तो इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थोड़ी ही देर में मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको सारे आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक ग्रह कहलाने वाला ग्रहों का समूह क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित है, वे निर्विकल्पित हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं और 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या जो ना तो टेनिस ना क्रिकेट खेलते हैं, 35, 40, 25 या 50। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, सूरजमुखी अपरारोपण के प्रकार का एक उदाहरण है। सीमांत अपरारोपण, मुक्त केंद्रीय अपरारोपण, शुक्रीय अपरारोपण, आधारीय अपरारोपण। पांचवा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पशु और भैंस परिवार में आते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो रीजनिंग से पूछा गया था कि लड़कियों की एक पंक्ति में सीता जो बाएं से 10वीं और लीना जो दाएं से 7वीं है अपने स्थानों को आपस में बदलती है। सीता बाएं से 15वीं हो जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? 17, 20, 22 या 21। सातवां क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पूर्व एशियाई युग के यूदी जनजाति गणराज्य से जुड़ा है 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहु से इको ग्रीक सिक्कों के हीरों की श्रृंखला रखता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी का एक प्राचीन पतन है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, वह राजमा किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल क्लोराइड रोग प्रतिरोधी है। हिमगिरी, कुशा कोमल और कुशा सदाबहार या कुशा स्वाति। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व में आया है 1 जनवरी 1872, 1 अक्टूबर 1872, 1 सितंबर 1872, 1 दिसंबर 1872। तो देखिए, 11वां क्वेश्चन पूछा गया कि ए बी की पत्नी है, सी ए से धनी है, डी सी से धनी है और ई सबसे धनी है। यदि उन्हें धनात्याग के अवरोही क्रम में बैठाया जाए तो मध्य में कौन आएगा, ए बी सी या डी? तो देखिए, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किन 2 महीनों में 1 वर्ष समान कैलेंडर होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा जुलाई और सॉरी अप्रैल जुलाई। 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने की थी? शेरशाह सूरी, हेमचंद्र, राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान? तो आंसर हो जाएगा हेमचंद्र ने। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जब एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां हैं 36, 12, 64, 32। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्वाभिमान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, राधा स्वामी नायकर, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट कि एक बैग में 5 लाल और 3 नीली गेंदे हैं, यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंद निकाली जाती हैं तो 1 लाल गेंद आने की प्रथमता है। अगला क्वेश्चन था कि एक रेडियो सक्रिय नमूने की गतिविधि 3 दिनों में आपने मूल माल का 1/3 रह जाती है तो 9 दिनों में गतिविधि हो जाती है। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कूट का निर्गत करना है, क्लास और टेस्ट, आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2011, 2012, 2013, 2010। 21वां क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिए गए विकल्पों से शब्द OUTRAGEOUS के अक्षरों को प्रयोग करते हुए ना बनाया जा सकने वाला शब्द चुनिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान एक नाम से आमना सामना होता है तो यह नाम को निम्नलिखित क्रम में खोजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चिली सोरा है तो चिली सोरा क्या है? कमेंट करके आंसर बताने हैं आपको। ये मैथ का क्वेश्चन था। 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या कितनी थी? हरियाणा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। 27वां क्वेश्चन था कि हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। ये क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था।
देखिए अगला क्वेश्चन था कि हरियाणा के इस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा, रेवाड़ी, गोरखपुर, जीत या सिरसा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा देता है, 378, 382, 371 या 372। 32वें क्वेश्चन में आपको ये था कि सही उत्तर चुनना था आपको। 33 क्वेश्चन था, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संधान ब्यूरो स्थित है, कुरुक्षेत्र, करनाल, मेवात, रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ है। 30 क्वेश्चन ये पूछा गया, 36 की इस रहित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय क्षेत्र के अवशेषों में से एक उपस्थित है। 37वें क्वेश्चन में सही उत्तर चुनने के लिए था। 38 क्वेश्चन में हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा का वह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि भ्रूण को जन्म देना कहलाता है, रोपण, निषेचन, प्रसव या अर्डो। ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। 40वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है। 41वां क्वेश्चन आपका ये मैथ का पूछा गया है। 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और 45 क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति कहते हैं, जलवायु, मौसम, मौसम विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। 48 क्वेश्चन ये पूछा गया था, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायित्व है। और 49 क्वेश्चन ये पूछा गया, दो आवंटरों की भिन्नताओं का गुणांक 50 और 60 है और उनका अंकगणितीय मान क्रमशः 30 और 25 है, उनका मात्रक विचलन अंतर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा, हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। हरियाणा से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी आज पूछे गए हैं। ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। 52, शाहीवाल एक किस्म है, चिकारा, बाघ, मगरमच्छ या गाय। 53 क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन विधि पाइथन में एक कष्ट की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते हैं, मेवात, पल्लव, करनाल, सोनीपत। 55 क्वेश्चन ये था कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का खंडन है। आपके सामने 4 ऑप्शन थे, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 56वां क्वेश्चन, एक वर्ग में एक ऑब्जेक्ट बनाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। 58 क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी ने थाने से पर आक्रमण कब किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 59, इस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा गया कि इस पंचकूला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। और ये मैथ का क्वेश्चन था कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। 63वां क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत बन गया था, गणराज्य, राज बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी की न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि एंजाइम ग्लूकोज को एरवाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है, तो क्या रूपांतरित करता है। 17वां क्वेश्चन था कि को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। 71वां क्वेश्चन था कि खसरा और रूबेला द्वारा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरियाणा की छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फिल्मी पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, उषा शर्मा और बलजिंदर कौर, सुमित्रा हुडा और शीला पहल। अगला क्वेश्चन था कि 2018 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुए थे, तो कहाँ पर हुए थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 23 दलों का UNFCCC 2017 सम्मेलन कहाँ पर हुआ था।
अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, एक तकनीक है जिससे संप्रेषण हेतु दो गांठों के बीच एक समर्पित भूपूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तथ्य हो सकता है, चार ऑप्शन थे आपके सामने। अगला क्वेश्चन था कि जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इस व्यक्ति को भाखड़ा नागल बांध का जनक कहते हैं, और 86वां क्वेश्चन था कि हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है, और 87वां क्वेश्चन था कि पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर कहलाती है, और 88वां क्वेश्चन था हाल ही पुरस्कार द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है ये पूछा गया था। अब हिंदी के पोर्शन से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि हम आंखों से देखते हैं, इस बात में आंखों से कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है, कर्ता कारक। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो क्या होगा, आश्चर्य होना। अगला क्वेश्चन था कि यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं, कुंज, काफिला, समिति, व्यू। अगला क्वेश्चन था इनमें क्रिया विशेषण है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं जिज्ञासु। नेक्स्ट लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है।